हाय फ्रेंड्स, सरसरा कुकिंग में आप सबका स्वागत है। आज हम बनाएंगे कॉफ़ी लवर्स और कुल्फ़ी लवर्स के लिए कॉफ़ी कुल्फ़ी, बहुत ही मज़ेदार। चलिए बनाते हैं। 1 लीटर दूध, 1 कटोरी शक्कर और 1 कटोरी खोया और कॉफ़ी पाउडर। सबसे पहले हम 1 लीटर दूध को सिरा कर 1/2 लीटर बना लेंगे। देखिए, दूध सिर कर मलाई मलाई दूध हो गया है, जैसा रबड़ी को होता है वैसा। अब हम शक्कर डाल देंगे, उसको भी अच्छी तरह से पका लेंगे। शक्कर अच्छी तरह से पक गई है। अब हम खोया डाल देंगे, उसको भी थोड़ी देर तक पका देंगे। अच्छी तरह से पक गया है। अब हम 1 टेबलस्पून मैदे को थोड़ा पानी डालकर घोल के डाल देंगे। उसको दूध में डाल देंगे, उसको भी थोड़ी देर तक पकाएंगे। अब हम बारीक कटे हुए बादाम भी डाल देंगे, इससे टेस्ट और भी बढ़िया बन जाएगा। अब हम मेन इंग्रेडिएंट्स कॉफ़ी को दूध में घोल के उसको भी डाल देंगे, इंस्टेंट कॉफ़ी। अब हम 2 सेकंड के लिए पका लेंगे। अच्छी तरह से पक गया है। अब हम फ्लेम को बंद कर देंगे और थोड़ी देर तक चमचे से इस तरह से करेंगे, मिक्स करेंगे और ठंडा करेंगे। उसके बाद बॉक्स में इस तरह से डाल देंगे। अब हम आइसक्रीम स्टिक्स को 4 कोनों में 4 रख देंगे। अब हम फ्रीजर में फ्रीज होने के लिए रख देंगे, एक कम से कम 12 घंटे टाइम रख देंगे। देखिए, 12 घंटे टाइम हो चुके हैं, हमारी कुल्फी अच्छी तरह से जम चुकी है। हम निकाल लेंगे, उसको इस तरह से काट लेंगे। इसका स्वाद टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है, अगर सर्दियों में भी खाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बीमार नहीं होंगे। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही स्वादिष्ट बनती है, जरूर ट्राई कीजिए।